गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एनिमलॉजिस्ट। चलिए अब बात करते हैं। यस, कल का फाउंडर इंडिया का वीडियो तो आपने देख ही लिया है। दो नंबर्स के लिए काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने डाली है। आज मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहेगा स्टॉक मार्केट फॉर यंगस्टर्स एंड एवरीवन जो अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए एक वीडियो यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगी और यस फेसबुक पे भी पोस्ट करूंगी। गाइज, आज का मार्केट बहुत अच्छा नहीं आपके लिए बट मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी फंडामेंटल न्यूज़, एज ऑलवेज आपको पता है कि काफ़ी सारी फंडामेंटल न्यूज़ का भंडार मेरे पास था। और उस हिसाब से अगर आपके पास काफ़ी सारी न्यूज़ है, काफ़ी सारे टेक्निकल व्यूज है, न्यूमोलॉजी नंबर्स का कैलकुलेशंस है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी तो बनता है। यस, 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। किस तरीके से किया है वो स्ट्रैटेजी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले बात कर लेते हैं, अगर फंडामेंटल न्यूज़ का भंडार है तो थोड़ी बहुत आपके पास साथ शेयर करने में भी बनती है। IOB ये जो बैंक है, ये PCMA से बाहर निकलेगी। RBI ने गवर्नमेंट से एक रिटर्न रिलीज किया है और इस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर्स कल हमने थोड़ा तेजी में देखा था। फिर चीन से जो SG बेस स्टेशन नेटवर्क एंटेना राउटर्स, इन सारे नेटवर्किंग और टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के लिए जो हम लोग बोलते हैं ना कि उपकरण लगते हैं, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, आप अगर आपके घर में राउटर बिठाओ तो वो जो प्रोडक्शंस होते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कल एक पॉलिसी डिक्लेयर की, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टिव योजना गवर्नमेंट ने जाहिर की है। 5 साल के लिए ये रहेगी। देखिए, 5 साल के लिए रहेगी। 12,194 करोड़ का ट्रांजेक्शन इसमें होगा। अब इसका फायदा किसे होगा, मैंने बहुत सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन किया कि आपको कौन से स्टॉक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब इसका फायदा कैसे होगा कि ये टेलीकॉम कंपनी जो थी, जिसके लिए जो बाकी की सारी चीजें लगती है, एक्सेसरीज लगती है, वो कौन बनाता है, जैसे डीलिंक हो गया, स्टरलाइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। फंडामेंटल न्यूज़ देना मेरा काम है। अब ये होगा 1 अप्रैल से होगा। 2.45 लाख करोड़ का प्रोडक्शंस यहाँ पे होगा। 1.95 लाख करोड़ से इम्पोर्ट बढ़ेगा। 40,000 नए रोजगार यहाँ पे मिलेंगे। मतलब ये सारा जो स्ट्रक्चर बना है, जो चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पे हम लोग कहीं ना कहीं बंदी करने का सोच रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने तैयार करके रखा है। और इसका फायदा डेफिनेटली काफ़ी सारी कंपनीज को होगा, और कंपनीज को होगा तो डेफिनेटली हम जैसे शेयर्स होल्डर्स को भी होगा। मॉरिशस इकोनॉमी में पार्टनरशिप करने के लिए मंजूरी मिल गई है। फिर अगर मैं एक बात आप लोगों के साथ करूं, तो गवर्नमेंट ने क्रिएटिव कोल माइंस के लिए 50% प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करने के लिए मंजूरी दे दी है। आयरन ओवर और बोमासाइड बैकसाइड, ये सारी प्रोडक्ट्स पे आपको ध्यान देना होगा। इतनी सारी फंडामेंटल्स न्यूज़ अगर आप भी कलेक्ट कर सकते हो, कैसे कलेक्ट करना है, यस मैं आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के क्लासेस में यही सिखाती हूँ। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखने वाला है, एंड मंडे ट्यूसडे हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स लेने वाले हैं। और साथ में अगर आप न्यूमोलॉजी काउंसलिंग भी करवाते हो तो यस, दोनों अगर साथ में आप लेते हो, क्लासेस एंड न्यूमोलॉजी, तो 10% डिस्काउंट और अकाउंट ओपनिंग फ्री, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज की स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट की। यस, मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि 40,170 रुपीज़ का मुझे अभी यहाँ पे प्योरली प्रॉफिट है। अब बहुत सिंपल है, मैंने क्या किया है, ITC आप देख सकते हो फेब्रुवरी, ITC आप देखते हो फेब्रुवरी, और ऑप्शन है मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जस्ट अभी आपको बैंकिंग सेक्टर्स के लिए न्यूज़ दिया था, और यस वही यहाँ पे काम कर रहा है। फेब्रुवरी ITC, बैंक ऑफ बड़ौदा। स्ट्रैटेजी में मुझे 960 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। एट द एंड 960 का लॉस होने के बाद मैं टोटल
40,170 रुपीज अगर घर पे लेके जाओ तो आप मुझे बताओ, मतलब दिन बन गया, एक महीने की पूरी सैलरी निकल गई और ट्रेड खत्म, अब पूरा मिलेगा। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है मेरी, आपका प्रॉफिट जितना हो गया है उतना ले लो और खत्म करो, अगले महीने वापस आते हैं, एक महीने की सैलरी वापस निकालते हैं। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट।